सिकंदर रजा का तूफान में उड़ा लखनऊ सुपर जायंट की टीम। केएल राहुल की टीम को अकेले सिकंदर रजा ने पानी पिला दिए। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल का शानदार बल्लेबाजी की वजह से लखनऊ सुपर जायंट ने सम्मानजनक स्कोर खड़ा किए थे। जवाब में पंजाब की टीम ने लड़खड़ाते हुए भी सिकंदर रजा का शानदार बल्लेबाजी के दम पे लखनऊ सुपर जायंट को 2 विकेट से हरा दिया। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी केएल राहुल और सैम करन को महान प्लेयर मानते हैं और केएल राहुल को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके बने रहिए एंड तक, और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। पंजाब किंग्स के कप्तान सैम करन ने लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उन्होंने टॉस के दौरान बताया कि धवन को हल्की चोट और वह जल्द ठीक हो जाएंगे। टीम के अंदर बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। लखनऊ सुपर जायंट की बल्लेबाजी शुरू हुई कैल मेट्स और लोकेश राहुल की सलामी जोड़ी क्रीज पर, दोनों अच्छी शुरुआत की। पहले ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 7 रन है। 4 ओवर के बाद लखनऊ ने बिना कोई विकेट गवाए 33 रन बना लिए हैं। फिलहाल कैल मेट्स 13 गेंद में 19 रन और केएल राहुल 11 गेंद में 13 रन बना खेल रहे हैं। 6 ओवर के बाद लखनऊ ने बिना कोई विकेट गवाए 49 रन बना लिए। फिलहाल केएल राहुल 17 गेंदों 20 केएल कैल मेट्स 19 गेंदों में 28 रन बनाए बल्लेबाजी कर रहे हैं। पंजाब गेंदबाजों ने लखनऊ के बल्लेबाजों को अब तक खामोश रखा। 8वें ओवर में 53 के स्कोर पर लखनऊ को पहला झटका लगा। कैल मेट्स ने 23 गेंदों में 29 रन बनाकर कैच आउट में उन्हें हरप्रीत सिंह के हाथों कैच आउट कराया। अपनी पारी में उन्होंने 1 चौका और 3 छक्के लगाए। फिलहाल दीपक हुड्डा 2 गेंदों में 2 रन बनाकर, केएल राहुल 23 गेंदों में 23 रन बनाकर क्रीज पर है। 8 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 1 विकेट पर 65 रन। लखनऊ के 9वें ओवर में 62 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा। सिकंदर रजा ने दीपक हुड्डा को LBW आउट किया। वह 3 गेंदों में 2 रन बना सके। फिलहाल कप्तान केएल राहुल और कृणाल पांड्या क्रीज पर। 9 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 2 विकेट पर 64 रन है। केएल राहुल ने IPL 2023 का अपना पहला अर्धशतक लगाया। उन्होंने 40 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा चौके के साथ। राहुल ने 50 रन पूरे किए। उनके साथ कृणाल पांड्या क्रीज पर मौजूद है। 14 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 2 विकेट पर 108 रन है। फिलहाल राहुल 44 गेंदों में 54 रन और कृणाल पांड्या 15 गेंदों में 16 रन बनाकर क्रीज पर है। लखनऊ को 15वें ओवर में 110 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। किशोर रवारन कृणाल पांड्या को बाउंड्री लाइन पर शाहरुख खान के हाथों कैच कराया। कृणाल ने 17 गेंदों में 18 रन बना सके। फिलहाल केएल राहुल और निकोलस पुरन क्रीज पर है। किशोर रवारन ने 15 ओवर में कहर बरपाते हुए निकोलस पुरन और कृणाल पांड्या को पवेलियन भेजा। ओवर की दूसरी गेंद पर रवारन ने कृणाल पांड्या को शाहरुख के हाथों कैच कराया। वह 17 गेंदों में 18 रन बना सके। इसके बाद तीसरी गेंद पर निकोलस पुरन को शाहरुख के हाथों कैच कराया। पुरन खाता खोले बिना 15 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 4 विकेट पर 111 रन। फिलहाल केएल राहुल 44 गेंदों में 54 रन। मार्कस स्टोनिस क्रीज पर है। लखनऊ सुपर जायंट को 5वां झटका सैम करन ने दिया। उन्होंने मार्कस स्टोनिस को 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर आउट कर दिया। स्टोनिस 11 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ सुपर जायंट ने पंजाब किंग्स के सामने 60 रन का लक्ष्य दिया है। उसने 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया है। लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा रन केएल राहुल कप्तान ने बनाए। उन्होंने 56 गेंदों में 74 रन की पारी खेली। राहुल के 8 चौके और 1 छक्का लगाया। कैल मेट्स 29, कृणाल पांड्या ने 18 और मार्कस स्टोनिस 15 रन बनाए। पंजाब के लिए कारवान कप्तान सैम करन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। किशोर रवारन ने 2 विकेट अपने नाम किए। लखनऊ ने पंजाब के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में पंजाब की पहले ओवर में झटका लगा। अर्थवत ताइदे ने खाता खोले बिना आउट हो गए। फिलहाल परप सिमरन सिंह और मैथ्यू शॉर्ट क्रीज पर है। 4 ओवर के बाद पंजाब ने 2 विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। फिलहाल हरप्रीत सिंह भाटिया 5 रन और मैथ्यू शॉर्ट 19 रन बना क्रीज पर है। अर्थवत ताइदे ने खाता खोले बिना पावन लौटे। वहीं परप सिमरन सिंह 4 रन बनाकर आउट हुए। परप सिमरन सिंह युधविंदर सिंह ने बोल्ड किया। आपको बता दें दोस्तों, मैथ्यू शॉर्ट की 22 गेंदों पर खेली गई 34 रनों की पारी का आंतन कृष्णप्पा गौतम ने कर दिया है। शॉट बेहद खराब शॉट खेलकर पवेलियन की ओर लौट रहे हैं। पंजाब किंग्स की टीम अब मुश्किल में है और तीसरा विकेट 45 के स्कोर पर गवा दिया। 8 ओवर का खेल हो गया है। लखनऊ के गेंदबाज अब तक भौकाल देखने को मिला है। पंजाब किंग्स ने अपने स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट खोकर 53 रन लगा दिए हैं। सिकंदर रजा 4 और हरप्रीत सिंह 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। 9 ओवर का खेल हो चला है और पंजाब किंग्स के स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट खोकर 61 रन लग चुके हैं। सिकंदर रजा 5 और हरप्रीत सिंह 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगले 11वें ओवर पंजाब की जीत के लिए 99 रनों की दरकार है। 10 ओवर का खेल हो चुका है और पंजाब की टीम स्कोर बोर्ड 3 विकेट खोकर 68 रन लग चुके हैं। सिकंदर रजा और हरप्रीत सिंह एक साझेदारी जमाने में जुटे हुए हैं। बची 60 गेंदों में पंजाब को 92 रन बनाने कृणाल पांड्या ने हरप्रीत सिंह भाटिया को पारी का अंत कर दिया है। हरप्रीत 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पंजाब ने अपना 4वां विकेट 75 के स्कोर पर गवा दिया है। पंजाब के बल्लेबाज सिकंदर रजा ने कृष्णप्पा के गेंद पर शानदार सिक्स जड़ा। 12वें ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 82 रन पर 4 विकेट हो गया। सिकंदर रजा 13वें ओवर में 17 रन लिए। इस ओवर में
सिकंदर राजा ने 2 सिक्स और 1 चौका लगाया। 14वें ओवर में 9 रन लिए। 15वें ओवर में सैम करन का विकेट गिरा, साथ ही 7 रन भी बने। जिम्बाब्वे के अर्पण वाला खिलाड़ी सिकंदर राजा ने IPL में अपना पहला शतक अर्धशतक जड़ा। वहीं सैम करन के आउट होने के बाद शाहरुख खान बल्लेबाजी के लिए आए और पहले ही गेंद पर 6 जड़ा। 18वें ओवर में बिश्नोई ने मैच को रोमांचक मोड़ दिया। 5वीं गेंद पर सेठ बल्लेबाज सिकंदर राजा को आउट कर मैच में रोमांच लगा दिया। सिकंदर राजा ने 57 रनों के पंजाब को जीत दिलाने के लिए 18 रन चाहिए। पंजाब टीम ने रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से लखनऊ सुपर जायंट को हरा दिया। आखिरी ओवर में पंजाब को जीत के लिए 7 रन चाहिए था। शाहरुख खान क्रीज पर थे। पहली 2 गेंदों में शाहरुख खान ने 2 रन लिए। 3री गेंद पर चौका मारकर पंजाब को जीत दिला दी। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।